विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का कैंपेन शुरू हो गया है। बुधवार को भाजपा की ओर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांड्या, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलगावी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेलगावी में रोड शो और सभाएं की। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मैसूर के एक रेस्टोरेंट में जाकर डोसा बनाया और खाया। उन्होंने अब बच्चों से बातचीत भी की। प्रियंका ने चिकमगलूर जिले के श्रृंगेरी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी के खिलाफ भी केस लगाकर उन्हें संसद से निकाल दिया गया था, आप उन्हें संसद में वापस लाएं। आज उनके पोते राहुल पर भी फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है। राहुल को पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी, हम सच्चाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि इंदिरा गांधी को आप सभी जानते हैं, उनकी खासियत थी उन्होंने कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ा। आज अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की वजह से है जिन्होंने वास्तव में आपके लिए काम किया। प्रियंका ने रैली में पीएम पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा मैंने देखा है कि बीजेपी के नेता यहाँ आते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं। मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि विपक्षी नेता उनकी कब्र खोदना चाहते हैं, ये कैसी बात है। इस देश में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हमारे प्रधानमंत्री का अच्छा स्वास्थ्य और उनकी लंबी उम्र नहीं चाहता हो। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।